तो भैया जी, मुझे ये जानना है कि जयपुर के अंदर लेदर मार्केट काफी फेमस है, तो ये आपकी जो शॉप है वो हवा महल के नीचे है, तो सबसे पहले तो आप उसका एड्रेस बता दीजिए। ये हमारी शॉप नंबर है 43 शॉप नंबर है, संजय आर्ट गैलरी के नाम से। अच्छा, और ये हवा महल की लाइन में आता है। अच्छा, हवा महल के लाइन में। बिल्कुल, ये समझ लो कि ये हवा महल जो बाजार है, हवा महल वाली लाइन में ही हमारा 43 शॉप नंबर है, संजय आर्ट गैलरी के नाम से। अच्छा अच्छा, इसमें एम्बॉस डिजाइन किया हुआ है, अच्छा डिजाइन है, हैंडमेड, जो यहाँ का मैन्युफैक्चर जो हैंडमेड होता है जयपुरी, जो स्पेशल चीज़ है वो है। इसका प्राइस भी बहुत रिजनेबल लगाते हैं हम। अच्छा, इसको बोलते क्या है? ये लेदर का है, हैंडमेड डिजाइन होता है। अच्छा, ये सिर्फ लेडीज के यूज़ के? ये क्या है, दोनों में चलने वाली चीज़ें, वैसे तो खैर ये लेडीज का है। अच्छा, बाकी और भी कोई बैग उठाते हैं तो उसमें क्या होता है कि अपन जैसे मान लो कि ये वाला बैग लेते हैं, तो ये स्लिंग वाला बैग है, तो इसको जेंट्स भी यूज़ कर सकता है और लेडीज भी यूज़ कर सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा, ये मल्टीपर्पज़ यूज है, दोनों में चलने वाली चीज़ है ये वाली। अच्छा, इसका प्राइस क्या बताया आपने? ये वाला पड़ेगा समझ लो प्राइस इसका 500 का, कोई अच्छा, कोई 450 का। अच्छा, सबका अलग अलग रेंज है। और पहले ये बताया था जो आपने, इसका कितना है? ये वाला जो मैंने पहले दिखाया था, ये वाला उसका पड़ेगा रेट 400 का। इसमें अच्छा, 350 वाला भी है, 450 वाला भी, 500 वाला, सब तरह की रेंज है। अच्छा, जैसे जैसे क्वालिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइस का थोड़ा बहुत होता रहेगा। तो मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आप लेदर में सिर्फ हैंडबैग ही सेल करते हैं या और भी आइटम है? और क्या क्या आइटम है आपके? मेन तो ये लैपटॉप बैग्स होते हैं, जैसे लैपटॉप बैग बैग में जैसे ये वाले है, इस टाइप के हमारा ये जो आइटम है ये बहुत हमारा रेगुलर आइटम चलता है। अच्छा अच्छा, इसको क्या है अपन इसके मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये क्या है, ये मल्टीपर्पज बैग होता है ये भी। अच्छा, इसको क्या है अपन बैकपैक भी लगा लेंगे, जैसे बैकपैक कर लिया और एज ए इसको स्लिंग भी कर सकते हैं अपन, जैसे ये बैकपैक करके आराम से कंफर्टेबल होता है बहुत, और इसको ये अपन एज ए स्लिंग यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये दोनों में यूज हो सकता है। और ये लेडीज जेंट्स पर्पज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मल्टीपर्पज यूज है। इसमें आप लैपटॉप डाल सकते हैं या और भी कुछ जो भी है, काफ़ी मल्टीपर्पज चीज़ है। क्या प्राइस बताया इसका? ये अराउंड समझ लो कि ये 1500, इसमें 1200 वाला भी आता है और साइज के हिसाब से रहेगा, साइज के हिसाब से आएगा, जैसे छोटा साइज आएगा तो 1200 का या 1100 का, 1000 का, ऐसा आता है ब्रो जी। और ये हमारे जैसे डबल बैग, इसको लगेज बैग बोला जाता है, जैसे ये लगेज बैग है। अच्छा, डफल बैग बोलते हैं, ये जिम वगैरह में बहुत काम आता है। इसी में साइज के हिसाब से रेट आएगा, जैसे साइज बढ़ जाएगा, इसमें स्क्वायर साइज आता है, ट्रायंगल शेप आता है, जैसे ये राउंड है तो ट्रायंगल शेप भी मिल जाएगा आपको, ये ट्रायंगल शेप है, और जितना जो साइज हो जाएगा ना उसी हिसाब से रेट लग जाएगा फिर। जी, ट्रायंगल शेप होता है, ये लगेज है, बहुत हमारा बहुत अच्छा आइटम चलता है वाला। जी जी, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइए, जो जैसे ये लेदर का फिर इनकी लाइफ क्या होती है, कितने साल तक ये समझ लो कि जितना अपन इसका केयर करेंगे ना उतना ही लॉन्ग लाइफ रहेगा इसकी, मतलब ये समझ लो कि ये लॉन्ग लाइफ चीज़ है। अगर इसको अपन संभाल के रखेंगे, प्लास्टिक वगैरह में संभाल के रखेंगे, अगर इसको यूँ खाली छोड़ेंगे तो थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, बाकी प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग में डालेंगे ऐसे तो ये इसको कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, आप इसको सालों साल यूज़ कर सकते हो, मतलब कम से कम 4-5 साल तो अच्छे से चलेगा, चलेगा आराम से, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है उसे, 5 साल तो मिनिमम है और भी आगे भी यूज़ कर सकते हैं आप। अच्छा, इनका प्राइस बताइए इसका, इसका अब जैसे ये वाला जो इसका प्राइस है, ये करीब अराउंड इसका 2100 रुपये, 1800 रुपये, 2000 रुपये, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा या जैसे साइज घटेगा। अच्छा, तो रेट भी उसका कम भी हो सकता है या फिर बढ़ सकता है रेट। जी, ये भाई हमारी जो क्वालिटी जो है ना, मेंटेन क्वालिटी है और बढ़िया फिनिशिंग में अच्छा है हमारा, क्योंकि बाहर वगैरह सब माल गया हुआ है, एक्सपोर्ट भी होता है, अच्छी चीज़ चलती है बाकी। अच्छा, ये बताइए फिर ये बनता कहाँ पे है? ये सब हमारा वही राजस्थान में बनता है, अलग अलग जगह से, अलग अलग जिलों से बनता है। तो मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी है फिर या नहीं? ये सब हम क्या, हम बनवाते हैं। अच्छा, क्योंकि ये हमारे पास जो कारीगर है, हम कारीगर से उनको ऑर्डर देते हैं, हम उनको डिजाइन देते हैं कि ये डिजाइन हमारे को चाहिए, डिजाइन के हिसाब से बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर मान लो कोई कस्टमर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहे, उसको जिस हिसाब से या जैसे बनाना आप उसको बना के दे सकते हैं, उसको हम बना दे सकते हैं, अगर वो बनने का होगा तो बन जाएगा, नहीं तो अगर थोड़ा बहुत हार्ड होगा तो उसका भी कोई ना कोई हम कर लेते हैं, सॉल्यूशन हमारे पास है, हम निकाल सकते हैं कि ऐसा नहीं तो एग्जैक्ट नहीं तो सिमिलर टू इसमें बन सकता है। ठीक ठीक, ये अच्छा स्कूल बैग, ये क्या, ये भी क्या सर? ये समझ लो कि ये अपने लैपटॉप के बैग है, ये ऑफिस जो ऑफिसियल जो लैपटॉप बैग है ना, इधर भी चला दो, सारे ऑफिस के हिसाब से या लैपटॉप के, ये सब लैपटॉप ऑफिसियल बैग होता है। जैसे ये वाला जो है ना हमारा, ये लैपटॉप का रेगुलर जो सिंपल कोई भी इसको भी, जैसे लेडीज भी ले सकते हैं और जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, तो ये ऑफिशियल बैग है, बिल्कुल सिंपल एंड सोवर, बिल्कुल बढ़िया चीज़ है एकदम। ये हमारा रेगुलर आइटम है, मतलब ये सब रेगुलर आइटम है लैपटॉप के लिए, 15.6-16 इंची लैपटॉप जो होता है वो रेगुलर आइटम हमारा चलता है, बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ होता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम ड्यूरेबिलिटी वाला आइटम है सारा, ये कोई ख़राब नहीं होता, ऐसे नहीं कि यूज एंड थ्रो करना है इसको, ये आइटम ऐसा नहीं है, ये लेदर का खूब स्ट्रॉन्ग होती है क्वालिटी, चलता बहुत है ये जी। और बाकी ये जैसे जेंट्स में वॉलेट भी मिलता है हमारे पास, जेंट्स का वॉलेट है जैसे ये,
जो ये वाला होता है जेंट्स का वॉलेट होता है, ये इसी का ही चमड़े का एक चीज होता है ये, और इसमें अगर थोड़ा सा और बढ़िया चाहिए तो और अच्छा भी मिल जाएगा। क्या प्राइस है इसका? ये वाला पड़ेगा अराउंड 200 का, इसका 150 वाला भी है। अच्छा। सब तरह की रेंज मिलेगी, जैसी क्वालिटी आएगी वैसा मिलेगा। अच्छा, इसमें भी कई तीन चार तरह की वैरायटी आती है, जैसे 3 फोल्ड होता है, 2 फोल्ड होता है। बता दीजिए, ये वाला ऐसा 3 फोल्ड वाला होता है, इसको 3 फोल्ड बोलता है, मतलब ट्राई फोल्ड बोला जाता है इसको। इसके अंदर ये देखो, ये प्लेन वाला था, ये इसका पूरा यहाँ का हैंडमेड डिजाइन होता है। अच्छा, ये कारीगरी भी हो सकती है? ये कारीगरी भी होती है और प्लेन भी बनाना पड़ता है, सब तरह की। अच्छा, एक मुझे चीज बताइए, जैसे कि मान लो ये यहाँ पे कारीगरी कर रखी है, किसी को अपने हिसाब से कुछ कारीगरी करवानी है तो वो आप करवा सकते? वो भी हम करवा सकते हैं, जैसे को किसी को कोई लोगो लगाना है या अपना नाम लिखवाना है, ऐसा कुछ करवा सकते हो? सब चीज भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें भी अपन वो करवा सकते हैं। अब जैसे इसमें क्या है, पर्स में भी बहुत अच्छी वैरायटी आती है, जैसे ये वाला है, ये स्वेट लेदर बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छी क्वालिटी होती है, ये भी इसमें भी ट्राई फोल्ड 2 फोल्ड सब मिलेगा, 2 फोल्ड वाला भी आएगा इसमें, ये 2 फोल्ड वाला होता है देखो जी। ये कितने का है? ये वाला समझ लो कि 300 का, 250 का, इसमें अलग अलग रेंज आता है, जैसे ये वाला 450 का है, ये वाला 450 का है, ये वाला 300 का है। और ये जैसे पानी में, ये जैसे पानी वगैरह लगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है? एक्चुअल में क्या है, जैसे इसको मान लो कि पानी लग जाता है तो उसको तुरंत अपने को साफ कर लेना है। अच्छा। पानी में छोड़ने से क्या है, लेदर थोड़ा सा खराब हो जाता है, लेकिन उसको ये कि अगर अपन ने उसको तुरंत उसको केयर कर लिया, उसको कपड़े साफ कर लिया, तो वो कोई दिक्कत नहीं आएगी अपन को, उसको डिप नहीं करना, छोड़ना नहीं है, तो वो खराब हो सकता है लेदर जी। और ये क्या, ये कितने का? ये वाला 250 का है ओनली। अच्छा, तो स्टार्टिंग प्राइस मतलब कहने का मतलब 200 से लेके फिर 350 450, डिपेंड करता है, डिपेंड है वो क्वालिटी के हिसाब से। अच्छी रहता है, कॉइन वाले पर्स होते हैं ये। अच्छा अच्छा, कॉइन या कुछ कार्ड वार्ड रख लिया तो बाकी, ये मनी पर्स होता है ये जी, जी छोटा होता आइटम ये जी जी। और क्या क्या सेल आउट करते हैं, जैसे बैग हो गया, पर्स हो गया, बेल्ट, बेल्ट बताइए आप। बेल्ट है ना, बेल्ट भी है, हो रहे ये देखो बेल्ट ऐसा आएगा, इस टाइप का बेल्ट आएगा, ये लेदर है, प्योर लेदर, ये भी अच्छा लेदर है, प्योर लेदर में। इसको क्या है, हम टैनिंग कलर करते हैं इसमें, मतलब ये मशीन से कलर स्प्रे कलर होता है इनमें जी, ये टैनिंग करना पड़ता है, जैसे ये लेदर तो यही होता है जी, तो इसी में क्या है, जैसे अभी हम कुछ पीस हम ऐसे भी करवाते हैं, जैसे अभी जैसे ये पीस है हमारा एक्सपोर्ट में जाता है ये जी, तो ये क्या हम इसको टैनिंग करते हैं जी, इसी पे क्या है स्प्रे कलर करना पड़ता है, ये ऑयल, उसमें तो हम ऑयलिंग करते हैं सब पे, और ये स्प्रे कलर होता है, तो इससे और अच्छा फिनिशिंग वाला क्वालिटी है जी। ये भी वही मल्टीपर्पज यूज है, बैकपैक और स्लिंग, ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है। अच्छा अच्छा, ये आपको जगह जगह नहीं मिले, क्योंकि हम ही बनवाते हैं, हमारा ही मोनोपोली आइटम होता है ये, हर किसी के पास नहीं मिलेगा, और इसकी फिनिशिंग वगैरह अच्छी क्वालिटी होती है। क्या प्राइस है इसका? ये वाला तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, कितने? अराउंड 2500 समथिंग, ऐसे जैसे जैसे बढ़ जाएगा साइज वैसे वैसे ये वाला होता है। पर इसमें पानी लगने, जैसे मान लो बारिश हो गया, भीग गया आप, तो इसमें भी थोड़ा दिक्कत रहता? नहीं नहीं नहीं, इसमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा, वो तो वही इसका प्रोसेस वही है, अब हमको पानी से बचा के रखना है इसको बिल्कुल, और कपड़े से साफ कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। सूखे कपड़े से साफ कर लो जी, कुछ भी खराब नहीं होगा। जैसे ये वाला है, ये ऑफिस के लिए लैपटॉप बैग है। अच्छा, इसमें क्या, हमने ये सब ऑर्डर से बनवाया माल, ये मतलब हम ऑर्डर से बनवाते हैं। अच्छा अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि ऊपर चेन हम किसी में लगवाते नहीं है बिल्कुल, जैसे ऊपर चेन और बैग में क्या, आपको ऊपर चेन नहीं मिलेगी, हमने क्या, हमने स्पेशली ऑर्डर से ऊपर चेन वाला बनवाया है। हाँ हाँ, ताकि अपन लैपटॉप अगर अंदर रखेंगे जी, तो चेन बंद करने के बाद चाहे कैसे भी इसको ये हिलता रहेगा तो लैपटॉप मतलब गिरेगा नहीं, और लैपटॉप की सेफ्टी भी रहेगी। तो ये समझ लो कि ये 15.6 लैपटॉप जो रेगुलर लैपटॉप होता है उन्हीं का ये डिजाइन है। ओके ओके, इसी में आपको डिजाइने और मिल जाएगी, मतलब हमारे पास कम से कम नहीं तो 10-12-15 डिजाइने आती है इसके अंदर भी। ओके ओके, तो स्टार्टिंग क्या जो प्राइस होता है वो समझ लो कि अराउंड 1500, फिर जैसे जैसे डिजाइन का हिसाब है तो 1800, फिर 2000, ऐसे ऐसे होता है, डिपेंड करता है साइज के हिसाब से, और हमारे पास वैरायटी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी इसके अंदर। इसके अंदर इसका क्या प्राइस बताया? इसका ये समझ लो कि ये 1500 का है समथिंग। अच्छा, 1500। फिर इसी में कोई कुछ डिजाइन कुछ पॉकेट्स वगैरह हो गए तो उसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाएगा, ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज आपसे जाननी है, इसमें सीजनल भी होता है कि जैसे ऑफ सीजन? हाँ, ऑफ सीजन और ऑफ सीजन में भी फर्क पड़ता है। अच्छा। जैसे सीजनल टाइम में हमारा थोड़ा रेट का ज्यादा होता है, ज्यादा भी होता है, और फिर ऑफ सीजन में क्या थोड़ा कम भी होता है, कम भी होता है, डिपेंड करता है सीजन के हिसाब से होता है ये। ठीक है। और इसी में जैसे वैरायटी मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है, इसके अंदर वैरायटी अच्छी मिलेगी। ये समझ लो कि कम से कम नहीं तो इसमें आराम से 8-10-12 डिजाइने आती है इसके अंदर जी। ये देखो काफ़ी अच्छी डिजाइन है इसमें, ये सिर्फ आगे पॉकेट रख दी, और इनमें क्या है खोलने का भी कोई दिक्कत नहीं, इजी लॉक होता है, पुश क्लिप लगा सकते हैं अपन, पुश क्लिप लगा के आराम से इसको खोलो जी, ये इजी लॉक्स होते हैं ये,
बार बार झंझटबाजी नहीं करनी पड़ती है, ये पुश क्लिप से खुलेगा और पुश क्लिप से लगेगा, बहुत इजी प्रोसेस होता है इनका। इसी में क्या है, बढ़ती जाएगी डिजाइन और आती जाएगी डिजाइन, खूब सारी वेराइटी डिजाइन आएगी इसमें। और इसी में जैसे ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, जैसे ये वाला मल्टीपर्पज जो यूज बैग कर सकते हैं जी, इसी में जैसे साइज छोटा हो जाएगा तो साइज छोटा भी दिखा सकते हैं अपन, जैसे इसमें साइज छोटा भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये साइज छोटे आएंगे इसमें, ये साइज होते हैं छोटे, इसी को वही बैकपैक और स्लिंग टू इन वन बैग होता है ये, आप इसको दोनों तरफ से यूज करते हैं, इसको एज ए स्लिंग और एज ए बैकपैक दोनों कर सकते हैं। करेक्ट। अगर छोटा लैपटॉप है तो फिर ये साइज सही रहेगा, जैसे 13 इंचेस लैपटॉप होता है या 13 या फिर 14 इंची लैपटॉप होता है वो इसमें आराम से आ सकता है। बाकी मैंने जो बताया था पहले बड़ा वाला, उसमें 16 इंची से प्लस लैपटॉप आराम से आ सकता है। इसका क्या प्राइस है? इसका प्राइस समझ लो अराउंड 1400 पड़ेगा, कोई कोई इसमें थोड़ा लो भी है, 1200 भी पड़ेगा, कोई कोई इसमें 1800 का भी पड़ेगा, कोई वही साइज के हिसाब से, वही साइज के हिसाब से इसमें वेट का होता जाएगा, इसमें ऐसे होता है। और इसमें आपको वेराइटी और मिल जाएगी, जैसे इसमें सिंपल ये वाला है, इसमें 4 पॉकेट आ गई, इसमें 1 बंद पॉकेट आ गई, इसमें दो मतलब दो लोग हो गए, इसे मतलब सिंपल हो जाता है ये। और बाकी जैसे ये ओनली बैकपैक होता है जी, इसको अपन खोल के छोटा बड़ा कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये इसमें भी पुश क्लिप लगा होता है, और इसमें भी क्या है, जैसे अपन लैपटॉप के लिए इसमें कुशन वुशन लगे हुए होते हैं तो इसके अंदर अपन लैपटॉप भी डाल सकते हैं, और लैपटॉप के अलावा और भी अपने जो सामान होते हैं चार्जर वगैरह है, या फिर जैसे अपन को ट्रैवलिंग करना है तो उसमें कपड़े वगैरह भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा साइज का बैग है। बिल्कुल। इसी में क्या सबसे छोटा साइज मतलब मीडियम भी आता है, और ये जैसे सबसे बड़ा साइज है, फिर इससे एक और मतलब मीडियम भी दिखाया था मैं आपको, ये इससे मीडियम साइज आएगा, ये मीडियम आता है। अच्छा। अगर आपका लैपटॉप बड़ा है 16 प्लस है तो आराम से इसमें आएगा, और अगर 14-15 का लैपटॉप है तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, और भी इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ट्रैवलिंग में ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। और इसके अंदर एक ये साइज एक और आएगा छोटा। अच्छा अच्छा। ये छोटा सबसे छोटा साइज होता है, इसमें भी छोटा 13 इंच का लैपटॉप आराम से इसमें भी आ सकता है, ये भी बैक। कहने का मतलब है लैपटॉप में भी लैपटॉप रखने में भी काम आ जाता है और ट्रैवलिंग में भी काम आ जाता है। ट्रैवलिंग में भी काम आ जाएगा, मल्टीपर्पज बैग होते हैं ये सब, आपका लैपटॉप भी डल सकता है इसमें जी, कुछ भी कैसे भी आप इसको, और वो भी खोलने का प्रोसेस इनका अच्छा है, बहुत फटाफट खुल जाएगा, वो फटाफट लग भी जा सकता है, और इसके अंदर वही पार्टीशन होते हैं, आप कुछ भी डालो वो आपकी मर्जी है, लैपटॉप डालो, आईपैड डालो या कपड़े लगते कुछ भी डाल सकते हो, वो आपके हिसाब से होता है। इसमें आपको मैं जैसे अभी क्या होता है कि कई बार लेडीज भी होती है, उनका भी लेडीज़ का भी आइटम रखना पड़ता है जी। लेडीज़ में क्या हमने थोड़ा और थोड़ा सा वैरायटी हमने रखा है लेडीज़ के अंदर, जैसे ये टॉट बैग होता है, ये लेडीज़ का अच्छा टॉट बैग होते हैं ये सब। इसको क्या बोलते हैं? ये इसको टॉट बैग बोला जाता है, ये लेडीज़ का पर्पज का बैग होता है, इसको सिर्फ लेडीज़ ही यूज़ कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या होता है कि ये भी ऑफिशियल लेडीज़ जो ऑफिस में जो वर्क करती है उन लेडीज़ों के हिसाब से हमने बनवाया है, क्योंकि इसके अंदर आराम से वो भी अपना लैपटॉप वगैरह आईपैड वगैरह डाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कुशन वुशन सब लगा हुआ है, तो ये लेडीज़ का अच्छा बैग होता है। बताना ये इसी में ये भी लेडीज़ का एक टॉट बैग होता है। इसी में क्या हमने जैसे ये ओपन भी रखा है, एक बैग में ओपन रखा है और एक में ऊपर चेन लगाई है, ताकि उसमें अपना ये जो भी सामान वगैरह है लैपटॉप है उसमें लैपटॉप वगैरह भी डाल सकते हैं, जो लैपटॉप मिनी लैपटॉप होता है वो इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें हमने कुशनिंग वुशनिंग सब बनाया हुआ है, और आराम से अपना लैपटॉप डाल के ये देखो ये कुशन वुशन सब बना हुआ है, आराम से इसमें आईपैड रख सकते हैं, इधर छोटा आईपैड वगैरह। और लेडीज़ का अच्छा है आइटम है टॉट बैग बोला जाता है इसको, ये ऑफिशियल बैग है, मतलब बहुत अच्छा बैग है ये, सिंपल एंड सोर होता है, लेडीज़ को खूब पसंद करता है, लेडीज़ को बहुत पसंद करता है इस वाले बैग को, ये अच्छा चलता है बैग बहुत। छोटे में ये स्लिंग बैग होते हैं, ये साइड बैग होते हैं, जैसे ये वाला हो गया, जैसे ये लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए ना, ये दोनों में चलता है, जैसे ये जो चीज़ है ना ये दोनों में चली जाती है, लेडीज़ जेंट्स दोनों में, और जैसे ये वाला होता है ये लेडीज़ में चला जाता है ज़्यादातर। क्या प्राइस है इसका? ये वाला इसका प्राइस है 450 का ओनली, 450 का। इसमें भी क्या है जैसे साइज के हिसाब से अगर साइज बढ़ गया तो उसका रेट अलग हो जाएगा, जैसे ये वाला ये बड़ा हो गया तो इसका रेट अलग हो जाएगा, ये समझ लो इसका अराउंड 750, 800, 600, 500, इसमें भी क्या अलग अलग तरह के हिसाब से आएगा, तो ये फिक्स नहीं होता कि नहीं ये तो सारा एक साथ हो गया, वो उसका प्राइस भी कम भी हो जाएगा ज़्यादा भी हो जाएगा, वो साइज़ के ऊपर डिपेंड है। जैसे अभी ये हमारा आईपैड का साइज़ होता है ये जी, ये वाला आईपैड का साइज़ है, इसमें अपन आईपैड वगैरह डाल सकते हैं, ये अच्छा साइज, ये आईपैड का साइज़ होता है, इसका भी प्राइस अराउंड 1200-1100 कोई कोई 1800 का भी आ सकता है, वो फिक्स नहीं होता, वही क्वालिटी के हिसाब से होता है इसमें भी। अब जैसे ये 13 इंच के लैपटॉप के होते हैं हमारे, ये सब 13 इंचेस का लैपटॉप है, जैसे किसी का क्या छोटा ही लैपटॉप होता है, आजकल 15.6 वाला कौन, तो छोटा भी लैपटॉप किसी का है तो 13 इंच वाला लैपटॉप इसमें आराम से आ सकता है, ये भी इजी लॉक होता है, इसमें आराम से ऊपर चेन लगा हुआ है,
और दोनों तरफ कुशनिंग लगा हुआ है, तो आराम से लैपटॉप कैरी कर सकते हैं, सेफ्टी रहती है बिल्कुल। तो ये सब 13 इंच के लैपटॉप के, सब 13 इंच वाले। और अगर फिर वो तो रेगुलर 15.6 16 इंच के, वो तो यही रेगुलर चलता है ऑफिशियल, वो भी हमारे पास मिल जाएगा आपको। इसमें भी कम से कम नहीं तो 8 से 10 डिजाइनें मिलेगी। अच्छा अच्छा। और इनका प्राइस समझ लो कि 1500 वही 1200 या कोई 1600 1800 ऐसा आता है इनका प्राइस भी। एक वो वाला बैग है जी, राउंड वाला, ये क्या है? ये जो राउंड वाला बैग है ये लेडीज का, मतलब लेडीज का बैग है। और इसमें क्या है, ये पूरा कलरफुल है ना, अच्छा होता है ये आइटम। ये सब क्या हैंडमेड होती डिजाइन है, इसको क्या है थोड़ा समय लगता है बनाने में, क्योंकि ये लेडीजें बनाती है इसको गाँव में, वो हाथ से इसकी तगाई करती है। और ये देखो कलरफुल होता है, इसमें क्या है कलर मैचिंग और अच्छा मिल जाएगा आपको। अच्छा अच्छा। इसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं होता है, पर ये है कि इसमें प्लेन वाला होता है उसका 500 या इसका समथिंग 800 ऐसे से अलग अलग, वो भी साइज बढ़ जाएगा उस हिसाब से रेट चेंज होता जाएगा। इस पे भी आप कैसी कोई भी तरह की डिज़ाइन देके दे सकते हो? हाँ, इसमें भी जैसे कोई भी अगर डिज़ाइन बनने का होगा तो हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। क्या प्राइस बताइए इसका? ये वाला 800 का है इस वाले का, और उससे जो प्लेन था वो 500 का है, जो प्लेन वाला था वो 500। बड़े साइज में मिल जाएगा इसका? हाँ, इसमें साइज बन जाएगा। अच्छा, बड़ा साइज भी मिल सकता है क्योंकि ये तो सबसे छोटा ही साइज है। अब जाहिर सी बात, इसमें आपको बड़ा चाहिए तो हम बड़ा भी बना सकते हैं साइज, वो 70 का आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे आपके शॉप का एड्रेस वापस बता दीजिए। हाँ, हमारे देखो शॉप का एड्रेस है वो बिल्कुल हवामहल की लोकेशन है, जैसे ये हवामहल जो आता है, हवामहल की लेन में ही हमारा शॉप नंबर है 43। कोई नाम है शॉप का? हाँ, संजय आर्ट गैलरी। अच्छा, संजय आर्ट गैलरी 43 शॉप नंबर है हमारा, शॉप का एड्रेस है संजय आर्ट गैलरी 43 शॉप नंबर, और ये समझ लो कि हवामहल की लाइन में ही आ गया। अच्छा, और मुझे आपका कोई मान लो कस्टमर है, वो मान लो बेंगलोर या महाराष्ट्र में बैठा है, तो उसको यहाँ से कोई लेदर शॉप से कुछ लेना है, या मान लो बेल्ट लेना है या बैग लेना है, कुछ भी लेना है, तो उसको आप ऑनलाइन डिलीवरी कैसे करवाओगे फिर? नहीं, फिर वो ऑनलाइन हम कर सकते हैं ना, डिलीवरी हो जाएगा ऑनलाइन, क्या कहते हैं उसमें, ऑनलाइन में जैसे हमारे पास कोरियर सुविधा है, आप कोरियर भी करा सकते हैं, हमारा नंबर इसमें है इसके अंदर, वो आप करवा दोगे? हाँ, हम उसका अरेंज कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत, हमने भेजा हुआ है पहले भी माल। अच्छा अच्छा। और हम भेजते भी रहते हैं। अच्छा, तो कोरियर की सुविधा है। अच्छा, मतलब इंडिया के कोई भी स्टेट से कोई ऑर्डर कर रहा है तो आप उसको डिलीवर करवा आराम से, उसका पार्सल उसके डोर टू डोर पहुंचा सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी कोई जयपुर का निवासी हो तो यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मान लो तो एक व्हाट्सएप नंबर भी दे दीजिए, मान लो किसी को भेजना हो या कुछ पूछना हो आपसे। अभी मतलब मेरा नंबर है 9660 और 457561, इसमें मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इसमें चैट करके वापस बता दीजिए एक बार। हाँ, मेरा ये नंबर है 9660 और 457561, मेरा नाम है सुनील। अच्छा, सुनील लालवानी, आप इसमें मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आराम से व्हाट्सएप चैट करके आप जो भी आपको मंगाना है हम आपको उधर भिजवा सकते हैं, हमारा पार्सल कोरियर की सुविधा भी है। ओके, थैंक यू। ओके सर।